and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले दिवंगत विधायक लोकेंद्र चौहान के आवास आलमपुरी पहुंचे। उसके बाद बिजनौर के डाक बंगले पहुंचकर उन्होंने 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों का 36 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और कहा गड्ढा मुक्त सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए फरियादों की गंभीरता से सुनवाई की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। एक साल में लगातार भाजपा विकास कार्य कर रही है। हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया था, वादे के अनुसार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ लगभग का कर्ज माफी का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देश में शायद कोई राज्य ने पहली बार लिया है।